स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चर्चा की हम शुरुआत में ही बता दिया था हमने आपको कि आपके सवालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इस चर्चा में शामिल करेंगे, और इस चर्चा में आपके सवालों का जवाब देने के लिए श्वेता रजानी तो है ही हमारे साथ। हमारे साथ समीर शाह भी जुड़े हैं, हेड ऑनलाइन बिजनेस है एक्सिस सिक्योरिटी से। समीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो समीर जी पहला सवाल आपसे ही होगा, हम अपने पहले जो दर्शक हैं उनको जरा जोड़ते हैं। सुभाष सिंह हमारे साथ है। सुभाष जी नमस्कार, पहले तो ये बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप, किस शहर से बात कर रहे हैं, और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं जेएनके उधमपुर से बात कर रहा हूँ सर। जी जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने अपनी डिटेल भेज दी थी। एक्चुअली मैं मेरा पोर्टफोलियो में ये जानना चाहता था कि इसमें मैं कुछ एडिशन करूं या कुछ इसमें कौन कौन से फंड। मैंने एक डिटेल भेज दी थी शायद आपके पास। जी जी आपकी डिटेल है हमारे पास। जरा मुझे ये बताइए कि कुछ आपका लक्ष्य है क्या कि आप किसी समय सीमा में इतना पैसा अर्जित करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं? जी सर एक्चुअली मेरे पास कुछ 10 साल का टाइम है कि इसमें मैं चाहता हूँ कि 1 करोड़ के करीब तक। ठीक है, मैं ठीक है। तो समीर जी आपके पास तमाम डिटेल सुभाष की होगी। 10 साल का इनका नजरिया है और 1 करोड़ तक की जो राशि है वो अपना कॉर्पस ये चाहते हैं। बताइए क्या होगी इनको सलाह? तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे आपके शो पे बुलाया। सुभाष जी का क्वेश्चन, सुभाष जी का पोर्टफोलियो हमने एनालिसिस किया। हमारे एंड से पहला सजेशन ये है, पोर्टफोलियो में बदलाव का सजेशन की बात करते हैं, तो आदित्य बिरला लाइफ का जो आदित्य बिरला सनलाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी में से आप स्विच करें आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल का ब्लू चिप फंड। ये आपका पोर्टफोलियो में ज्यादा स्टेबिलिटी लाएगा। दूसरा हमने देखा है कि आपके पोर्टफोलियो में निकॉन इंडिया का फोकस इक्विटी ग्रोथ फंड है। सुभाष जी पहला रेगुलर से आप डायरेक्ट में स्विच करना चाहे तो कर सकते हैं, इससे आपका रिटर्न में थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। दूसरा निकॉन इंडिया फोकस फंड की बजाय हम आपको यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरह ले जाए। लार्ज कैप में आप जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड में आप अपना एसआईपी बढ़ा के 6,500 करें। अब जब आप बात जब आपने आपके क्वेश्चन में एक और था कि आपको 4,000 से 5,000 रुपए का एडिशनल एसआईपी करना है, हमने आपका पोर्टफोलियो केयरफुली एनालिसिस किया। यहाँ पे हमारा सुझाव यह है कि आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है, तो फ्लेक्सी कैप फंड आप ऐड करें। यहाँ पे हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करें, जिससे आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे 10 साल में। ठीक है सुभाष जी, कोई और सवाल आपका? नहीं सर, वही बस यही डिस्कशन चाहिए थी। इसमें मैं पहले से 4-5 साल से कर रहा हूँ, मैं निवेश तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अभी मैंने थोड़ा सा इसको टॉपअप किया है। ठीक है, ठीक है, चलिए शुभकामनाएं आपको सुभाष। उम्मीद करते हैं कि आप और ज्यादा बेहतर तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट आगे और बढ़ाएं, और उम्मीद करते हैं कि ये सलाह आपके काम आए। चलिए अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है प्रवीण, और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रवीण का सवाल श्वेता जी आपके लिए होगा। प्रवीण नमस्कार, कहाँ से बातचीत कर रहे हैं और बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। मेरा एक्चुअली लक्ष्य है 20 इयर्स के लिए और 1 करोड़ चाहता हूँ मेरा फॉर होम और चाइल्ड एजुकेशन के लिए। तो मैं मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहता हूँ और कुछ चेंजेस करना है या फिर कुछ बढ़ाना है, इसके बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपका सवाल हमारे पास है, आपकी तमाम डिटेल्स भी हमारे साथ है। तो प्रवीण जी को श्वेता जी क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? जी प्रवीण जी, आपने जो लक्ष्य कहा उसके लिए आप आज के दिन पे 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं हर महीने। अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो आप करीबन 65 लाख पे पहुंच जाएंगे 20 सालों में। और तो इसीलिए आपको दो चीजें करनी होगी, या तो आप आज 5 की जगह 8,000 से एसआईपी कर लें तो आप अपने 1 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। अगर आप आज 8,000 से शुरुआत नहीं कर सकते हैं तो हर साल आप 10 से 15% अपने एसआईपी को आप स्टेप अप कर दीजिए, ये भी आपको करीबन 1 करोड़ के लक्ष्य तक ले जाएगा।
मैं आपके स्कीम्स पे आती हूँ. दो स्कीम्स जो आपके पोर्टफोलियो में है वो बेहतरीन स्कीम्स है, आप उन्हें SIP जारी रखें. और ये बेसिकली होगी कोटक की इमर्जिंग इक्विटी और ICICI प्रू की लार्ज एंड मिड कैप वाली जो स्कीम है ये अच्छी है. निपॉन की जो आपकी दो स्कीम्स है वहां मैं आपको सलाह दूंगी कि SIP रोक दे. इन्होंने आज तक आपको अच्छा रिटर्न दिया होगा, लेकिन आगे जाके इनसे कुछ बेहतरीन स्कीम्स जो हो सकती है अपने पोर्टफोलियो के लिए, एक मैं आपको कहूंगी एक स्मॉल कैप फंड का एक्सपोजर ले लें. तो यहाँ पे आप HDFC स्मॉल कैप फंड की SIP जोड़ लें और एक क्वांट का एक्टिव फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें. ये मेरी सलाह है आपके लिए. ठीक है, तो ये सलाह आपको मिलती हुई प्रवीण जी, उम्मीद करते हैं कि ये सलाह आपके काम आए. चलिए अगला सवाल प्रदीप का है हमारे पास. प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रदीप का सवाल समीर जी आपके लिए है. प्रदीप कहाँ से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद अपना सवाल पूछिए. जी नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ. जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी मैंने अभी फरवरी 2024 से स्टार्ट किया है, मेरी एज 53 है और मेरे पोर्टफोलियो में मैंने 8 म्यूचुअल फंड ऐड किए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ ये मेरे लिए ठीक है या नहीं. ठीक है, पहले तो ये बताइए प्रदीप जी कि कोई लक्ष्य है आपका, कुछ आपके लक्ष्य, आपका नजरिया, कितने सालों में कोई रकम आप जुटाना चाहते हैं? मेरा लक्ष्य है कि मैं 10 साल में करीब मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए एक बेटर लाइफ के लिए. ठीक है, ठीक है, तो 10 साल 2 करोड़ का लक्ष्य. बाकी डिटेल्स समीर जी आपके पास है ही, प्रदीप जी को जरा बेहतर तरीके से गाइड कीजिए. प्रदीप जी पहले तो आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, आपने स्कीम का बहुत ही अच्छे से सिलेक्शन किया है, आपके आपके स्कीम का सिलेक्शन सही है. अब आपका अभी करंट SIP 22,500 का चल रहा है और आपने सवाल आपने ये भी बताया कि आप हर साल 10% उसके अंदर स्टेपअप करना चाहते हैं. अगर हम ये दोनों कंसिडर करते हैं तो 10 साल में आप करीबन 76 लाख रुपीज इकट्ठा कर पाएंगे. अब आपका लक्ष्य 2 करोड़ रुपए का है अगले 10 साल में, तो यहाँ पे हमारे दो सुझाव रहेंगे. पहला, आप इमीडिएटली आप 50,000 का SIP कर दें और हर साल उसके अंदर 15% का टॉपअप करेंगे, तब जाके आप अपना 2 करोड़ का लक्ष्य आराम से हासिल कर पाएंगे. दूसरा हमारा सजेशन ये है कि अगर आपको इमीडिएट 50,000 का SIP नहीं करना है तो आप अपना समय अवधि 10 साल की बजाय 14 साल कर ले और करंट जो SIP आपका SIP वैल्यू है 22,500 का वो आप कंटिन्यू रखें और 10% की बजाय अगर आप 15% स्टेपअप हर साल करते हो तभी भी आप अपना 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाओगे. दूसरा, मैंने आपका पोर्टफोलियो डिटेल में हमने एनालिसिस किया, यहाँ पे एक सुझाव ये है कि आपके 2 लार्ज कैप फंड है, एक है HDFC प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड और दूसरा निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, दोनों ही बेहतरीन फंड है. बट हमने एक एनालिसिस, हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये आ रहा है कि ये दोनों के पोर्टफोलियो में करीबन 65% पोर्टफोलियो सेम है, तो यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि बजाय की दो स्कीम आप उसको क्लब करके एक स्कीम भी कर सकते हैं. तो ये हमारा आपके पोर्टफोलियो और आपके सवाल के प्रति का रिस्पॉन्स है. प्रदीप जी उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम सवालों का जवाब आपको मिल गया हो. चलिए अगले जो दर्शक हैं उनको हम शामिल करते हैं अपनी इस चर्चा में. राजेश कुमार जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं. राजेश जी का सवाल श्वेता जी आपके लिए होगा. राजेश जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे को 15 साल में 1 करोड़ बनाना था, इसमें मैंने 5 SIP कर भी रखे हैं, 5 फंड चूज कर रखे हैं. इसमें पहला तो है प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप. जी जी हेलो. जी जी पूछिए. हाँ, प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप का है और एक ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड है, एक निपोन इंडिया मल्टी कैप है, एक क्वांट स्मॉल कैप है और एक HDFC मिड कैप है अपॉर्चुनिटी. हाँ, तो ये फंड सही है या फिर मैं इनको चेंज करूँ या स्विच करूँ किसी में? ठीक है, तो चलिए आपको बेहतर तरीके से राय देने की कोशिश करते हैं. श्वेता जी तमाम डिटेल्स आपके पास हैं, कोई सवाल अगर आप राजेश से जानना चाहती हैं उनके लक्ष्य और बाकी चीजों को लेकर तो जरा बताएं. जी राजेश जी, आपने कहा आपको 1 करोड़ के लक्ष्य पहुंचना है 15 साल में,
लेकिन आज के दिन पे हम 8,000 की SIP कर रहे हैं हर महीने। अब अगर मैं इक्विटी का लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड देख लूं तो इस तरीके से अगर हम चलते चले तो 50 लाख के आसपास पहुंच सकते हैं। तो दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो हम ये कि आज ही से 8,000 के SIP के जगह 17,000 की SIP कर लें, तो SIP के अमाउंट को आप डबल कर दें तो आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और दूसरा उपाय ये है कि अगर आप आज 17,000 से नहीं शुरू कर सकते तो आप हर साल 15 से 20% कम से कम अपनी SIP की अमाउंट को स्टेप अप कर लें और लक्ष्य को 15 साल की जगह 17 या 18 साल तक ले जाएं, तब भी आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। ये था एक SIP अमाउंट के लिए मेरी सलाह। स्कीम्स पे मैं आती हूँ। आपने कहा आपकी स्कीम्स काफी बेहतरीन रही है और अब तक इन्होंने आपको अच्छा रिटर्न दिया होगा, लेकिन कुछ सुझाव यहाँ पे, आप क्वांट स्मॉल कैप और HDFC मिड कैप की जो SIP है उसे जारी रखें। आपकी जो एक SIP है कमोडिटी फंड में जा रही है, वहाँ बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही टाइम पे निकल जाए, बिकॉज वो साइकिल बदल सकती है उस एसेट क्लास की। तो वहाँ पे शायद आप सही तरह से उसे टाइम ना कर पाए सही टाइम पे निकल जाना, तो वो एक SIP आप रोक लें। उसके अलावा निपॉन की फंड ने आपको मैंने कहा अच्छी रिटर्न दी होगी, बट आगे जाके मैं सलाह दूंगी आपको, आप एक क्वांट का एक्टिव फंड ले लें। इसके अलावा पराग पारिक के जगह HDFC फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा होगा और ICICI कमोडिटी फंड के जगह ICICI का डिविडेंड यील्ड फंड बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये राय आपको मिलती हुई। राजेश जी कुछ और जानना चाहते हैं आप? सर यही चाहिए था और तो कुछ नहीं सर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। इन सब के बीच में जरा कॉलर्स को अब हम रोकेंगे और कुछ जो अहम पहलू हैं खासतौर पे म्यूचुअल फंड्स को लेके वो जरा समीर जी से हम समझने की कोशिश करते हैं। समीर जी, एक जो एक समय होता है जब बाजार में तेजी नजर आती है और उसमें बहुत सारे नैरेटिव चलते हैं, आमतौर पे आम निवेशक जो होता है ये बाजार की चाल और बाकी चीजों के फैक्टर में SIPs को लेकर कई बार भ्रम में फंस जाता है। ऐसे निवेशकों को क्या सलाह होगी, किन बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पे प्रशांत जी, मेरा सजेशन इन्वेस्टर के लिए ये है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा लक्ष्य लंबा ही रखना चाहिए और जो शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव मार्केट के आते हैं उसको ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। जैसे आपने बताया, मार्केट जब ऊपर होता है तब कस्टमर ज्यादातर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते रहते हैं, पर जब मार्केट गिरना शुरू होता है, जब मार्केट में पैनिक सिचुएशन होता है, तब ज्यादातर हमने देखा है कि कस्टमर अपना इन्वेस्टर अपना SIP बंद करवा देते हैं, पैसा रिडीम करवा देते हैं और अपने गोल से थोड़े दूर चले जाते हैं। इम्पोर्टेंट सजेशन जब मार्केट ऊपर होता है तब ये रहता है कि आपको अपना एसेट एलोकेशन जो भी आपने फिक्स किया है उसमें रेगुलर रीबैलेंसिंग करना चाहिए। रीबैलेंसिंग का मतलब ये होता है जैसे हर साल आप एक बार अपने पोर्टफोलियो को डिटेल देखें, आपने सपोज 65% इक्विटी में और 35% डेट में रखा है, तो ये कॉम्बिनेशन आप कंटिन्यूअस ईयरली लेवल पे मेंटेन करें। इसके दो फायदे होंगे, अगर मार्केट ऊपर है तो ये टाइम पे आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करके डेट की तरफ आप अपना इन्वेस्टमेंट ले जाते हैं और जब मार्केट नीचे आता है तब आपका आप देखोगे कि आपका इक्विटी का परसेंटेज कम हो गया होगा, डेट का बढ़ जाएगा, वो फेज में आप डेट रिडीम करके इक्विटी में डालेंगे। इससे आप प्रॉफिट बुकिंग टाइमली कर पाएंगे और अगर मार्केट गिर रहा है तो आप उसको एवरेजिंग करके आप अपना रिटर्न मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो हमारा सजेशन यहाँ पे ये है कि साल में एक बार आप अपना जो भी आपने पोर्टफोलियो रीबैलेंस पोर्टफोलियो के लिए पोर्टफोलियो का जो परसेंटेज रखा है इक्विटी वर्सेस डेट का, वो हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग रेगुलर करें। ठीक है, तो ये सलाह जो बाजार की चाल पे कई बार लोग परेशान हो जाते हैं और अपने निवेश को लेकर थोड़ा घबरा जाते हैं, उनके लिए समीर जी की। समीर जी, एक और सवाल है और ये सवाल हम बार बार इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं बहुत नए निवेशक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं। किस तरह से ये पैमाना है कि
आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए, फंड्स की संख्या कितनी होनी चाहिए और किस तरह का एलोकेशन होना चाहिए, किसी का रिस्क एपेटाइट अगर देखें उस लिहाज से अगर उनको सलाह देनी हो तो किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो प्रशांत जी, पहला आपका क्वेश्चन था कितने फंड्स होने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 फंड, 7 से ज्यादा फंड हम अपने इन्वेस्टर्स को कभी सजेस्ट नहीं करते 7 से ज्यादा फंड रखे। दूसरा, फंड का प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, तो ये एज के हिसाब से होता है। जैसे अगर इन्वेस्टर का एज 30 से नीचे है तो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि, और उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए लंबी अवधि रहती है तो हम सजेस्ट करेंगे यहाँ पे वो थोड़ा अग्रेसिव कॉल ले सकते हैं, जैसे ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन में ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना चाहिए। जैसे जैसे उम्र में वो आगे बढ़ते हैं वहां पे उनको ब्लू चिप की तरफ एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे अपना एक्सपोजर स्मॉल मिड कैप में कम करते जाना चाहिए। जब इन्वेस्टर 50 साल की एज के आसपास आ जाता है वहां पे हम सजेस्ट करेंगे कि पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट करें, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें और अपना पोर्टफोलियो 30% के करीब का ही मिड कैप और स्मॉल कैप में रखें ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बैलेंस करके रिटर्न ले पाए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जिनको वक्त वक्त पर हम रिकॉल करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि जो नए दर्शक हैं, नए निवेशक हैं जिनके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं उनको इन सारी चीजों का फायदा मिले। चलिए अब अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। कपिल मल्होत्रा है हमारे साथ इस वक्त। श्वेता जी, कपिल का सवाल आपके लिए होगा। कपिल नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। जी कपिल, आवाज आ रही है? हाँ जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। मैंने सवाल तो अपना भेज रखा है जी, कि मैं पिछले 8 सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। और जो मेरी अभी फिलहाल चल रही हैं, जो फंड चल रहे हैं, वो उसकी सबकी डिटेल्स आपको भेजी हुई है। ठीक, और अभी मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू 29 लाख है। ठीक है, बहुत अच्छे। कोई लक्ष्य आगे के लिए आपका? सर मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक, अभी मेरी एज 43 ईयर्स है। ठीक है, ठीक है। तो अपनी अभी अभी एक SIP में कुछ बढ़ाना चाहता हूँ फंड, उसके लिए भी मेरे को उनसे जानकारी चाहिए कि मैं किस फंड के एक 3,000 रुपए की SIP और बढ़ानी है। ठीक है, पहले तो मैं ये कहूंगा कपिल आपको कि वाकई आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट को इतने बेहतर तरीके से बनाया कि आज आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस है। आगे बड़े लक्ष्यों की आप देख रहे हैं, बदलाव भी आप चाहते हैं। श्वेता जी के पास पूरी डिटेल है, वो आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देंगी। श्वेता जी बताइए क्या आपकी सलाह होगी। जी कमल जी, यू नो आपका जो लक्ष्य है मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि अगर आपने इसी तरह से SIP जारी रखी और क्योंकि आप काफी साल से यू नो इक्विटी में SIP के थ्रू निवेश कर रहे हैं, अगले 13 साल में यू नो 13 से 15 साल में जब आप रिटायरमेंट की ओर पहुंचेंगे तो आप अपना 2 करोड़ का लक्ष्य अचीव कर चुके होंगे। बस एक चीज आप ध्यान में रखें, महंगाई को ध्यान में जरूर रखें कि अगर आपको आज लग रहा है कि आपके लिए रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ काफी होंगे तो ये ध्यान में जरूर रखें कि महंगाई भी करीबन 7% से बढ़ रही है। तो आज का 2 करोड़ क्या आपको 13 साल बाद यू नो वही फायदा देगा या आपको लक्ष्य अपना बढ़ाना चाहिए? तो ये यू नो एक फूड फॉर थॉट है जो मैं आपको छोड़ रही हूँ। जिसके साथ अब मैं आती हूँ आपके फंड्स पे। आपके फंड्स में मैंने 2 चीजें देखी, एक तो बहुत 3 फंड आपके 5 फंड में से स्मॉल कैप है, तो यू नो बहुत ज्यादा स्मॉल कैप है या एक मार्केट कैप पे एम्फेसिस है। आपके पोर्टफोलियो में आप करीबन 25% का स्मॉल कैप एक्सपोजर रख सकते हैं, वो अच्छा होगा। तो इसीलिए 2 फंड्स जो मैं आपको SIP रोकने की सलाह दे रही हूँ वो स्मॉल कैप वाले हैं, कैनरा और SBI स्मॉल कैप। आपका जो HDFC स्मॉल कैप का फंड है वो आप जारी रखें, SBI का मिड कैप फंड यहाँ भी आप SIP जारी रखें, लेकिन बंधन का जो वैल्यू फंड है और HSBC स्मॉल कैप ये भी दूसरा फंड है, यहाँ SIP रोक लें। एक और आपके पास है टेक्नोलॉजी वाला फंड, टाटा डिजिटल फंड, यहाँ भी
सही समय या टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट कर जाने के लिए, लेकिन अगर हम क्यों ना चाहते हैं कि हम 10 साल तक SIP कंटिन्यू करें, तो आप कोई भी सेक्टर फंड ना ले, आप डाइवर्सिफाइड फंड ले अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो कुछ फंड जो आप जोड़ सकते हैं, SBI का ही एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वो भी बेहतरीन फंड है, उसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ले। आदित्य बिरला का मल्टी कैप फंड, कोटक का इमर्जिंग फंड, और इसके अलावा चाहे तो एक DSP का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, क्योंकि आप SIP बढ़ाना भी चाहते हैं 3,000 से, और तो ये 4 फंड मैं आपको नए सलाह दूंगी। ठीक है, तो ये सलाह आपको मिलती हुई। चलिए अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। अनुराधा ओझा हमारे साथ इस वक्त हैं। समीर जी, सवाल अनुराधा का आपके लिए होगा। अनुराधा जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं और पूछिए क्या जानना चाहती हैं? सर, मैं पुणे से बात कर रही हूँ। मैं एक्चुअली अगले 2 से 3 साल में घर खरीदने का प्लान कर रही हूँ, और बाकी भी फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए मैं देख रही हूँ। तो मेरा अभी पोर्टफोलियो मैंने भेजा है, जिसमें मेरा आई एसेट ब्लू चिप इमर्जिंग फंड में 2500 रुपये SIP है, एक क्वांट स्मॉल कैप में 7,000 की है, और PGIM फ्लेक्सी कैप में मैं अभी तक कर रही थी 5,000 एक साल से, बट अभी मैं उसको होल्ड पे किया है और HDFC फ्लेक्सी कैप में स्विच किया है, और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5,000 SIP है मेरी। तो ये सब अभी मेरा SIP चल रहा है, पिछले 1-2 साल हो गया मुझे करते हुए। तो अभी मैं घर को कैसे खरीदें, उसके लिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, क्या आगे का आगे के लिए ये बजट सही रहेगा इस तरह से प्लान करना, ये पूछना चाह रही हूँ। ठीक है अनुराधा जी, पहले तो आप वाकई आपको बधाई ये देनी होगी कि आप एक बेहतर सोच के साथ आगे बढ़नी है, आपके गोल्स बहुत क्लियर हैं और ये बहुत जरूरी है किसी भी आम निवेशक को समझना। समीर जी बताइए अनुराधा को आपकी क्या सलाह होगी, उन्होंने बाकी डिटेल्स तो अपनी भेजी हुई है। अनुराधा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक गोल सेट कर दिया है कि आप हाउस, आपको घर खरीदना है अगले 2 से 3 साल में। अब मैंने आपका हमारे पास जब आपका पूरा क्वेश्चन आया, हमने थोड़ा एनालिसिस किया, उस पर यह है कि आप अभी करंट मार्केट प्राइस, अगर हाउस आपके जो भी फ्यूचर घर खरीदना चाहते हो उसका 90 लाख के करीब है। अगर हम 6% का मॉडरेट इन्फ्लेशन भी काउंट करते हैं तो 2 साल के बाद उसका रफली वैल्यूएशन 1 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। अब आप अभी करंटली 24,500 रुपए का मंथली SIP कर रहे हैं और थोड़ा जो लमसम आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ये सबका 2 साल के बाद इसका वैल्यूएशन करीबन 13 लाख समथिंग हो जाएगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है आपको डाउन पेमेंट करने, घर के डाउन पेमेंट के लिए हेल्प करेगा, और बाकी का 90 लाख का आपको लोन, आप लोन लेंगे तो करीबन 90 लाख के लोन पे आपका 81,000 के करीब का EMI बैठेगा। हमारा यहाँ पे सजेशन आपको ये रहेगा कि आप जब भी हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसके साथ साथ अगर आपको हाउसिंग लोन इंटरेस्ट फ्री करनी है तो 10,000 रुपए का आप SIP कर ले। 10,000 के SIP कंटिन्यू रखेंगे तो आप 20 साल की अवधि में जो आपने 90 लाख का लोन लिया है उस पर करीबन 1 करोड़ का आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगा। ये आपको 1 करोड़ रुपया आपको इंटरेस्ट फ्री करके देगा, ये जो आप SIP करोगे 10,000 की वो। अगर आपका घर 90 लाख रुपीज का उसका वैल्यू प्लस इंटरेस्ट के साथ 2 करोड़ का करीबन वैल्यूएशन बनता है, ये आपको पूरा का पूरा फ्री चाहिए, तो हमारा सजेशन ये रहेगा आप 10,000 की बजाय 20,000 के SIP दोगे तो 20 साल के बाद ये 20,000 का SIP करीबन 2 करोड़ के करीब का वैल्यूएशन पहुंच जाएगा। तो पहला आप अगर इंटरेस्ट फ्री करना चाहते हो तो SIP जो भी EMI आता है उसके अंदर 10,000 जोड़ के 81,000 आप एग्जाम्पल आप EMI दे रहे तो 10,000 का SIP कर देना तो आप इंटरेस्ट फ्री घर ले पाओगे। दूसरा पोर्टफोलियो सजेशन की बात करते हैं तो अभी आपके पास सिर्फ 2 साल का अवधि बचा है, 2 से 3 साल, तो यहाँ पे हम पोर्टफोलियो के लेके ज्यादा कोई सजेशन नहीं दे रहे, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए 2 साल छोटा यानी शॉर्ट टर्म कंसिडर किया जाता है। तो आपका जो भी अभी पोर्टफोलियो स्कीम सिलेक्शन है हमने देखा है वो सही है, आप कंटिन्यू रखें और 2 साल के बाद आप जब घर खरीदने जाओगे तो 13-13.5 लाख का करीबन का वैल्यूएशन। अनुराधा जी ये आपको सलाह इस वक्त समीर जी की तरफ से मिलती हुई। कोई और सवाल आपके मन में हो अनुराधा जी तो आप पूछ सकती हैं।
जैसे अभी अगर मैं मान के चलूँ कि घर खरीदने का मेरा 3 साल में हो जाता है, तो आगे के लिए भी मतलब यही इसी तरीके से अगर मैं SIP कंटिन्यू करूँ आगे के लिए बाकी गोल्स को एड्रेस करने के लिए, तो वो भी सही रहेगा ना फंड्स का मतलब सिलेक्शन? जी समीर जी, बताइए कि एक लक्ष्य हासिल होने के बाद अगर बचत के लिहाज से देखना चाहें अनुराधा जी कि आगे की एक सेविंग के हिसाब से, तो क्या इन फंड्स का चुनाव और ये जो राह है वो सही है या आप उस वक्त नए तरीके से रिव्यू कर लेना चाहिए? अनुराधा जी, अभी से 2-3 साल के बाद कौन से फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम मेथड चेंज होते हैं फंड इवेल्युएशन के, तो 2 साल बाद जब आपका घर खरीद लो उसके बाद आप गोल के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो हम गोल बेस पे आपका फंड सिलेक्शन आपको हम फंड सजेस्ट करेंगे। तो हाल फिलहाल अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो आप लार्ज कैप फंड कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो अनुराधा जी उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे संपर्क साधने के लिए। बढ़ते आगे, महेश पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता जी, सवाल महेश जी का आपके लिए होगा। महेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्कार सर, सर मैं से बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं महेश जी। लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से महेश जी से हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन महेश का जो सवाल है वो हमारे पास इस वक्त मौजूद है और उनका पोर्टफोलियो की जो तमाम डिटेल्स है वो भी हमारे दर्शक हमारे एक्सपर्ट के पास मौजूद है। श्वेता जी, महेश का सवाल आपके लिए है और इन्होंने टोटल 20,000 की SIP कर रखी है और इनके फंड्स की डिटेल्स भी आपके पास हैं। बताइए, गोल 10 सालों में 50 लाख का है, इस हिसाब से क्या वो लक्ष्य हासिल हो पाएंगे या कुछ बदलाव करना होगा? जी बिल्कुल, महेश जी का जो लक्ष्य है 50 लाख का, वो तो वो आराम से अचीव कर पाएंगे, तो ये यू नो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी SIP कर रहे हैं कुछ सालों से, तो उन्होंने करीबन यू नो 2.25 लाख जमा कर लिया है और वो 20,000 से SIP हर महीने करते चलेंगे, तो यू नो करीबन 60 लाख के अमाउंट तक वो पहुंच सकते हैं। बस कुछ सुझाव थे इनके स्कीम्स के लिए, हालांकि काफी स्कीम्स उनकी बेहतरीन हैं। तो महेश जी, क्वांट का स्मॉल कैप, कोटक का एमर्जिंग, ICICI फ्लेक्सी फंड, ये आपकी SIPs अच्छी हैं, यहाँ जारी रखें। और कुछ SIP जो मैं आपको रोकने की सलाह देती हूँ वो ये रहेंगी कि मोतीलाल का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, पराग पारिक का और जो फ्लेक्सी कैप फंड है और निपॉन का स्मॉल कैप फंड, यहाँ आप SIP रोक दें। यू नो कुछ स्कीम्स अच्छी हैं लेकिन साइज बहुत बढ़ गई है, तो आगे जाके आप यू नो दूसरी अच्छी स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। तो इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड ये आप जोड़ सकते हैं पोर्टफोलियो में, DSP का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, क्वांट का वैल्यू फंड और चाहे तो एक निरय का फोकस इक्विटी फंड, इनमें आप यू नो SIP शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सलाह आपको महेश जी, और इस सलाह के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल हम सवाल जवाब के सिलसिले को यहाँ रोकेंगे और अपने दोनों खास एक्सपर्ट समीर और श्वेता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो निवेशक हैं उनका मार्गदर्शन आपने किया, बेहतर तरीके से उन्हें गाइड किया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आप दोनों का हमारे शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार विमेन वेंसडे आपके लिए लेकर आएंगे।